कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे एंड मजे में होंगे। अगर नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई आज फिर से एक और टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो लेके आया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, एंड चैनल पर न्यू आ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम एंड में चले जाते हो वही करके नहीं जाते। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। फर्स्ट ऑल ट्रिक करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक जीप, एंड आप देख सकते हो मैं कौन सी लोकेशन पर हूँ। इस जगह पर आपको जीप को लेके आना है, एंड आपको ऊपर की साइड में जाना है और गाड़ी को ढलान पर छोड़ के आप उतर जाना। फिर देखो आप मैजिक, गाड़ी जो है अपने आप नीचे की तरफ आ रही है। ये देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है गाड़ी के अंदर, बट ये गाड़ी धीरे धीरे करके नीचे आ रही है। अगर आप इसे रोकने का ट्राई करोगे फिर भी ये नहीं रुकने वाली, एंड आपके करेक्टर को भी साथ में ले जाइए अगर रोकने का कोशिश करोगे तो। देखो मैं यहाँ पर इसके सामने बैठ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ बट ये मतलब रुक ही नहीं रही है। देखो मैं लेट जाता हूँ यहाँ पर, शायद से रुक जाए, बट मेरा करेक्टर भी आगे की मतलब आगे को पुश करती हुई जा रही है ये गाड़ी। इसको ट्राई जरूर से करना यार, काफी मतलब फनी सा ट्रिक है, तो इसको ट्राई जरूर से करना। अपने दोस्तों के साथ करो या फिर सोलो में करो, वो आपकी मर्जी। चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो सबसे पहले आपको सोशल जोन में आना होगा, एंड इस वाली दुकान के पास आके यहाँ से आपको क्राफ्ट टूल यहाँ से परचेज करना है। परचेज करने के बाद इधर जो पीछे जो गेट दिख रहा है ना, हाँ वही, इसी के अंदर अपन लोग जाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर यूज करना है किस तरीके से, ये देखो आपको करेक्टर को मतलब पूरा इसके अंदर कवर कर देना। उसके बाद आपको जैसे ही यहाँ पर लगाओगे भाई, आप इस दुकान के अंदर आ जाओगे। अगर ट्रिक समझ में नहीं आया तो बैक करके आप वीडियो को देख लेना दोबारा से, एंड आप इसके अंदर आ जाओगे। मैं यहाँ पर खड़ा होने का ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा हूँ। एंड आप इस कोने में आने के बाद इसको फिर से इस टूल का यूज करना, एंड देखो कैसे यूज करना। देखो मैं यहाँ पर अपने करेक्टर को पूरा ढक लूंगा इससे। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको, ये लो जैसे ही मैंने यूज किया भाई मैं दुकान के नीचे आ गया। सबसे पहले दुकान के अंदर, एंड उसके बाद में दुकान के भी नीचे भाई। यहाँ तो यहाँ की दुनिया तो काफी अलग है, आप लोग ट्राई जरूर से करना। देखो यार कितना ही मस्त लग रहा है, बाकी का ट्रेनिंग ग्राउंड मतलब बोले तो सोशल जोन का ट्रेनिंग ग्राउंड। यहाँ पर रह के ना आप लोग घूमो फिरो, मजे करो, कुछ भी करो, और यहाँ पर अपने दोस्तों को सरप्राइज भी कर सकते हो इस तरीके से जंप करके, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करके। बोलना आके मेरे को, देखो भाई मैं किसी हैकर से कम नहीं हूँ। आपका फ्रेंड भी ये देखेगा, बोलेगा भाई कैसे किया तूने। तो इससे निकलने के लिए सिंपल सा एक जंप लगाना है, एंड आप इसके ऊपर आ जाओगे। तो भाई ये भी ट्रिक काफी खतरनाक है, इसको ट्राई जरूर से करना। वो फाइनली ट्रिक बताने वाला हूं जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, मतलब भोकांग वन के में कैसे उड़ रहा था। तो सबसे पहले आपको एक व्हीकल लेके आ जाना है, इधर व्हीकल लेके आओ, कैसे भी आओ इस वाले लॉन्च पैड के पास आपको आ जाना है, एंड देन इसको ऊपर की साइड में करके आपको लीव कर देना सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको लीव करता हूँ, एंड आपको लॉन्च पैड यूज बटन एंड करेक्टर का एबिलिटी इन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। एंड जैसे ही प्रेस करोगे तो आप कुछ इस तरीके से लॉन्च पैड के ऊपर आ जाओगे, एंड यहाँ से लॉन्च कर देना। तो भाई आप देख सकते हो भोकांग बन के भी आप लोग यहाँ से जा सकते हो। बेसिकली नॉर्मली तो जाते हैं बट ये कुछ यूनिक है, तो इसको ट्राई जरूर से करना। मैं तो बोल रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ करोगे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज अपने दोस्तों को एक जगह पर रख देना है और वहीं पर लॉन्च पैड सेट कर देना, और उधर से आपको लॉन्च करके आना है वो भी करेक्टर की एबिलिटी के साथ। अपने दोस्तों को बोल देना की भाई आसमान में देखना मैं किस तरीके से आता हूं। आपके फ्रेंड भी ये वाला व्यू देख के आपसे सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, ए भाई बता ना, बता ना भाई, भाई भाई मेरा भाई, बता ना भाई, बता ना मेरा, बता बता। एंड आपको हमारी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।